बात यह है तुम्हें किसी को भी पकड़ के गला पकड़ के ऐसे अथेष नहीं बनाना है क्योंकि तुम गला पकड़ के किसी को भी अथेष बना नहीं सकते पहली बात तो यह है पक्की बात है तुम किसी को हेल्प कर सकते हो रैशनल बनने के लिए प्रेरित कर सकते हो ताकि वो चीज़ों के पीछे साइंस को समझे साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे अगर तुम किसी इंसान के साथ बात करो और बातचीत में तुम्हें ये पता लगता है कि ये जो इंसान है ये भगवान पे बिलीव रखता है थेष्ट है तो तुम्हारा माइंड सडनली उस मोड में चला जाता है जहाँ पे तुम अपने आप को सुपीरियर और उसे इन्फीरियर समझने लग जाओ एक बात बताओ तुमने एथिज्म क्यों चुना ताकि तुम क्लियर माइंडसेट पा जाओ और फ्री थिंकर बन पाओ किसी भी रेस्ट्रिक्टेड जोन में तुम ना रहो बने हुए ना रहो इसलिए तुमने एथिज्म को चुना बट तुम यहाँ पर क्या करो कि उस रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर निकलने के बाद अपना ही एक अलग रेस्ट्रिक्टेड जोन बना लिए फिर उल्टे सीधे रूल भी अप्लाई करने लग गए नमस्कार हम मित्रों क्या हाल है वैसे आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे बात करेंगे ओके okay. वैसे मैं अपने आप को एथिस्ट नहीं कहता इसके पीछे रीज़न ये है कि एथिज्म या फिर एथेस्ट ये सब जो भी टर्म होते हैं वो थेस्ट लोगों के द्वारा दिया गया एक नेगेटिव टर्म है ताकि एथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडियाज़ हैं वो गॉड के अराउंड वो घूमते रहे मतलब ये है कुछ ऐसे समझो कि एक इंसान किसी ऐसे धर्म को फॉलो करता है जिस धर्म का नाम है एक्स तो उसे हम क्या बुलाएंगे एक्सिस्ट या फिर किसी वाई धर्म को फॉलो करते हो तो उसे हम क्या बुलाएंगे वाई समझने के लिए बस तो जो किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करता किसी भी गॉड को नहीं फॉलो करता तुम उसे किस कैटेगरी में डालोगे तो उनके लिए तो कोई कैटेगरी होनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी थेज लोगों ने क्या किया कि एक अलग से कैटेगरी बना दी ताकि ये कॉन्सेप्ट गॉड के साथ रिलेटेड uh, हो जाए कि ना मानने वाले लोग भी एक प्रकार के इज़्म को फॉलो करते हैं बट तुम अगर किसी को कहते हो कि मैं एथेस्ट हूँ तो फिर उसे समझ में आ जाएगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो इस समझने के लिए एथिज्म इस शब्द का प्रयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है वैसे देखा जाए ऐथिज़म फॉलो करना ब्रेव वर्क होता है क्योंकि बिलीव करना यह तो बहुत ही आसान काम होता है ना तुम आँखें बंद करो और बिलीव करने लग जाओ बट एथिज्म में क्या होता है कि तुम लॉजिक एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो फिर उस बिलीव को तोड़ते हो और उस बिलीव से तुम टिकेट आते हो अपने आप को बना के रखते हो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है जहाँ पे हर एक पल तुम्हें इतने सारे डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं अगर कुछ कहीं से कोई इंसान अगर मिल जाते हैं जो थेस्ट लोग हैं लेकिन बोलते बहुत अच्छे हैं किसी को कन्विंस करने के लिए वो मास्टर कर चुके हैं कन्विंस करने में मास्टर हो चुके हैं ऐसे इंसान के साथ तुम अगर मिलते हो वो अगर तुम्हें कुछ समझाने लगता है अगर तुम्हारे मन इतने पक्के नहीं है तो फिर तुम ज़रूर फिसल जाओगे इसलिए बहुत ही कठिन काम होता है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई अपने आप के साथ ही है ओके अब इंडिया में देखना कि दो से लोग एथिस्ट बनते हैं दो रास्ते से ठीक है पहला जो वे है वो है कि बचपन में ही उन्हें कुछ ग्लीचेस देखना स्टार्ट हो गए थे कुछ एड्स देखना स्टार्ट हो गए थे कि ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है इतने सारे लोग अगर किसी एक चीज़ को मानते हैं फॉलो करते हैं तो इसका रीज़न क्या है ये लोग पागल थोड़ी ना है कुछ तो रीज़न होंगे ना तो इसके पीछे सच्चाई क्या है सच्चाई क्या है ये जानने की इच्छा उन, उनके अंदर थी ऐसा नहीं कि लोगों ने बता दिया और आँख बंद करके बस बिलीव कर लिए वो सवाल ये पूछ पूछता था कि वाई क्यों होता है और जिनके मन में क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है वो बड़े होने के बाद रैशनलिस्ट बनते हैं रीजन यहाँ पे ये नहीं है कि बड़े होने के बाद एथिस्ट बनना है बस जानने की इच्छा है कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है बस ये बताओ ऐसे लोग बड़े होने के बाद रैशनलिस्ट बनते हैं और रैशनलिटी के कारण वो एथिस्ट बन भी जाते हैं ये था पहला वे ठीक है दूसरा जो वे है वो है प्योर फ्रोस्टिसन देखना कि ऐसे जो लोग होते हैं बचपन से थेष्ट होते हैं बचपन से ही धार्मिक चीज़ों पे बहुत मानते हैं बट वो अपने खुलाफाती दिमाग इस्तेमाल करते हैं जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या बिक रहे हैं कोई यंत्र बिक रहे हैं या फिर हाथ पे बांधने के लिए गले में पहनने के लिए कुछ अगर बिकते हैं तो वो ईज़िली पैसे देकर ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं खुराफाती दिमाग उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि ये सब कुछ कुछ नहीं होता बस जो दिखता है लैक ऑफ नॉलेज अपना दिमाग चलाते हैं कि देख रहा, रहा है कि बता रहा है टीवी पे कि आप इसे खरीद लो इसके बाद ये हो जाएगा वो पैसे दे खरीदते हैं बाद में जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट उन्हें नहीं मिलते और भी जब देखते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा और कोई बड़ी इच्छा लेके कोई काम करने जा रहे हैं पूजा हाथ बार जोड़ के काम करने जा रहे हैं फिर भी वो काम सफल नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा उन, उनके अंदर भर जाते हैं और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर वो कहते हैं कि छोड़ो हम मानेंगे नहीं वो अगर कहीं पे है तो है हमसे कुछ मतलब नहीं ठीक है तो और ऐसे ही जब उनके मन में फ्रस्ट्रेशन गुस्सा आ जाता है तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एथिस्ट बनते हैं ना कि वैसमिस्ट बनते हैं सोचना ही यहाँ पे उनके लिए एथिज्म का मतलब सिर्फ ये होता है कि गॉड के आइडियाज गॉड के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करना लेकिन गॉड रिलेटेड जितने भी स्टाफ हैं उन्हें वो मानते हैं जैसे स्पिरिट या फिर बॉमरेटिंग एस्ट्रोलॉजी या फिर कह लो कुछ भी चमत्कार जैसी चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं बस एक आइडिया को वो नहीं मानते वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऐसे लोग एथेस्ट तो बनते हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक वो टिके नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनका बिलीव्स पक्का नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द उनके बिलीव्स फिर से चेंज हो जाते हैं एथेजम की ओर क्योंकि वो हर समय इस उम्मीद से रहते हैं कि कहीं ना कोई कहीं पर कोई चमत्कार बस दिख जाए और मैं फिर से मानने लग जाऊँ क्योंकि उस आशा में हमेशा होते हैं ऐसे लोग अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात स्टार मार करके मैं बता रहा हूँ कि बात यहाँ पे थेइज्म एथिज्म एगनिज्म की बात नहीं है कि कोई भी इंसान वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा ये डिपेंड करते हैं उनकी संस्कार कैसी है संस्कार पे डिपेंड करता है कि इंसान कैसा बनेगा हो सकता है कि कोई एरोगेंट इंसान या फिर बहुत घमंडी कोई इंसान वो थेस्ट भी बन सकता है एथेस्ट भी बन सकता है और हम यहाँ पर थेइज्मगनिज्म इन सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं इनका इन सब का पर्पज़ क्या है बताओ इन सब का पर्पज़ बस एक है कि तुम्हें सिर्फ एथेस्ट नहीं बनाना तुम्हें एक रैशनल पर्सन बनाना ताकि तुम क्लियर माइंडसेट पा पाओ और फ्री थिंकर बन जाओ ताकि तुम्हारे डिसीजन पे कोई और चीज़ इम्पैक्ट ना कर पाए इसलिए हम एथेजम की बात कर रहे हैं मॉडर्न एथेजम यही होता है कि तुम रैशनलिस्ट भी बन पाओ साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी फॉलो करो ओके बट कोई इंसान ह्यूमैनिटी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये उनकी संस्कार वाली बात है या फिर एथाइज्म को दोष मत दो या फिर एथेजम को दोष मत दो अब देखना कि जो लोग बहुत हद तक एरोगेंट होते हैं बहुत घमंडी होते हैं वो लोग जब एथेस्ट बन जाते हैं तो वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम वो ये क्रिएट करते हैं कि वो एथिज्म को ट्रीट करते हैं एज अ सेपरेट रिलीजियन जैसे वो कोई एक अलग धर्म है और अपनी ही एक कम्युनिटी बनाते हैं फिर ग्रुप्स बनाते हैं या फिर उनके सीधे रूल्स थोप देते हैं लोगों पे बस ये करो और अपना ही खुद का एक रेस्ट्रिक्टेड जोन वो क्रिएट कर लेते हैं एक बात बताओ तुमने एथिज्म क्यों चुना ताकि तुम क्लियर माइंडसेट पा जाओ और फ्री थिंकर बन पाओ किसी भी रेस्ट्रिक्टेड जोन में तुम ना रहो बने हुए ना रहो इसलिए तुमने एथिज्म को चुना बट तुम यहाँ पे क्या करो कि उस रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर निकलने के बाद अपना ही एक अलग रेस्ट्रिक्टेड जोन बना लिए फिर उल्टे सीधे रूल भी अप्लाई करने लग गए तो फिर तुम्हारे सो कॉल्ड एथिज्म धर्म के साथ दूसरे धर्म का क्या फ़र्क है तुम भी तो एग्जैक्टली exactly वही काम कर रहे हो ना कि वो लोग भी दूसरे लोगों को मात दे हैं अपने रिलीजन के नियम से और तुम भी एग्जैक्ट वही काम कर रहे हो फिर तुम तो में कोई फ़र्क ही नहीं है ना और कुछ फेसबुक ग्रुप मैंने देखे हैं जो एथीजे जिन, टॉपिक हैं एथीज़म और बायपर लिखते हैं कि आप यहाँ पर आइए और बिल्कुल रैशनल माइंड सेट पाकि जाइए तो मैंने ऐसे कुछ ग्रुप्स में विजिट करा देखा कुछ ग्रुप्स वाकई में ऐसे होते हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाले पोस्ट करते हैं सोचने पे मजबूर कर देने वाले मतलब पोस्ट होते हैं कोई अगर थेस्ट भूल कर भी पहुंच जाए वो एथिजम बन एथिस्ट बन के बाहर निकलेगा ऐसे ऐसे पोस्ट भी होते हैं बट कुछ ग्रुप्स ऐसे वायात होते हैं कि तुम एक बार जाओगे सिर्फ ट्रॉलिंग और मीम से भरा हुआ है कोई सोचने वाली कोई बात तक नहीं है बस उनका मोटो यह है कि को बुलिंग करना ट्रोल करना को नहीं बल्कि जितने लोग हैं उन लोगों को धर्म को बुली करो तो फिर भी समझ में आता है पर लोगों को बुली करने का क्या मतलब है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं अगर उन्हें तुम पूछते हो कि भाई तुम ऐसा क्यों करो ट्रोलिंग क्यों करते हो मीम क्यों बनाते हो इन चीजों को लेकर तो वो कहने लग जाएंगे कि, कि, कि देखो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि थेज्म से एथेजम की ओर लोग बढ़े लोग और भी रैशनल बन पाए इसलिए हम ट्रोलिंग करते हैं मीम बनाते हैं ताकि थेस्ट लोगों के मन में ये आए कि एथेस्ट लोग भगवान को लेकर इतने ट्रोल कर रहे हैं उन्हें ना तो कोई श्राप मिल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करते ये है उनकी एक्सपेक्टेशन बट रियलिटी कुछ और होती है मेरे दोस्त साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें सही में लगता है कि बुलिंग करने के बाद वो चेंज हो जाएंगे तो हम तुम्हें बताते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए मान लो कि एक इंसान जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है वो खुद ही अपनी फैमिली की बुराई करते हैं फैमिली को उल्टा सीधा बोलते हैं ना तो वो सही सोच रखते हैं ऐसे इंसान ये सारी बातें किसके साथ वो चर्चा करेंगे अपने ही अपने लोगों से चर्चा करेंगे अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस करेंगे कि देखो मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है बट कोई अगर तीसरा बंदा अगर आ जाए आके अगर बताते हैं कि तेरी फैमिली ऐसी है वैसी है तो वो एक नहीं करेंगे अगर वो एक करते भी हैं तब भी वो ऐसे दो कांकिन से लगाएगा वो भूल जाएगा सब कुछ कि मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ लेकिन तू कौन होता है मेरी फैमिली के बारे में उल्टा जैसे बोलने वाला तू मेरे को जानता है क्या ना ही मैंने तुझे कोई परमिशन दी है बोलने की तो फिर क्यों बोल रहे हैं एग्जैक्ट सेम थिंग होता है थेज्म के साथ ऐसा नहीं है कि थेइज मतलब ये नहीं है कि वो हंड्रेड परसेंट भीतर से वो बिल्कुल थेस्ट हैं धार्मिक हैं ऐसा नहीं है उनके मन में भी आता है कि गॉड एग्जिस्ट ऑन नॉट उनके मन में भी आता है कि मैं सही कर रहा करो या फिर गलत करो क्या जो भी कर रहा करो वो गलत तो नहीं है उनके मन, मन में भी आता है हंड्रेड परसेंट कोई थेज नहीं होता बट कोई अगर और ये सारी बातें वो किसके साथ डिस्कस करेंगे अपने ही वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे है ना बट कोई अगर एथेज लोग आके अगर बताते हैं कि तेरा भगवान वो ऐसा है वैसा है एग्जिस्ट नहीं करता ट्रॉल करने लग जा लग जाएंगे तो फिर वो स्वीकार नहीं करेंगे डीप इनसाइट वो अगर एग्री भी करते हैं तब भी वो प्रकट नहीं करेगा उनके सामने कि मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ क्योंकि इसमें उनकी हार दिखती है थेज्म की हार दिखती है और कोई इंसान हारना नहीं चाहता और तो थेइस्ट वाले के मन में बस ये आएगा कि तू तो बंदा एथिस्ट है तू तो यही चाहेगा ना कि मैं भी एथिस्ट बन जाऊ और तेरे साथ एग्री करने का मतलब ये है कि अपनी हार मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ और कोई इंसान हारना नहीं चाहता जब भी तुम किसी इंसान को ट्रोलिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पूरा पूरी मेहनत बेकार जाएगी कहने का मतलब यह है कि तुम कट्टर एथेस्ट मत बनो कट्टर यथेस्ट बनने से कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा तुम अपने लिए भी थ्रेट हो और दूसरे लोगों के भी थ्रेट हो तुम तो माना कि चलो तुम सही हो तुम सही हो कि भगवान नहीं है तो ये बातें जब लोगों को ट्रोलिंग के माध्यम से समझाओगे तो वो लोग नहीं समझेंगे ऐसे करके तुम उन तुम उन्हें चोट पहुँचा रहे हो तुम उन्हें हार्ट कर रहे हो दिल से दुख पहुंचा रहे हो यह रीज़न है अगर तुम उन्हें समझाना चाहते हो तो फिर कुछ और तरीके का तुम्हें सोचना पड़ेगा ताकि वो हर्ट भी ना हो जाए और लॉजिकली वो चीज़ों को समझे ऐसे होता है और ऐसे लोग ऐसे लोग सचमुच के यथेष्ट होते हैं मैं मानता हूँ ऐसे यथेष्ट मत बनो कि तुम्हें हमेशा फील होता है कि तुम सुपीरियर हो और दूसरे लोग इन्फीरियर हैं अगर तुम किसी इंसान के साथ बात करो और बातचीत में तुम्हें ये पता लगता है कि ये जो इंसान है ये भगवान पे बिलीव रखता है थेष्ट है तो तुम्हारा माइंड सडनली उस मोड में चला जाता है जहाँ पे तुम अपने आप को सुपीरियर और उसे इन्फीरियर समझने लग जाओ ऐसे एथिस्ट मत बनो क्या पता कि वो इंसान तुमसे ही बहुत आगे हैं बहुत कुछ जानते हैं वो उनसे सीखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा पर जैसे ही तुम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाओगे कि भाई ये तो मूर्ख है भगवान को फॉलो करता है हम तो एथिष्ट हैं हम चालक हैं अगर ये वाला एटीट्यूड तुम में है तो फिर तुम बेकार के इंसान हो तुम किसी से कुछ सीख नहीं सकते ना ही तुमसे कुछ कोई सीख सकता है कहने के लिए तुम अपने आप को ह्यूमैनिटी फॉलो करता हो रैशनलिस्ट हो ये हो लॉजिकल हो लॉ बहुत कुछ हो तुम बताओगे अपने आप को बट तुम फॉलो क्या कर रहे हो तुमसे अगर कोई हार्ट हो रहा है तो फिर तुम सही माने हो तुम इंसान नहीं होगा है ना सही एथेस्ट वो होता है जो लोगों को मदद करता है सोचने पर लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है रैशनल कैसे बना जाए इन सब चीज़ों को लेकर वो अगर मदद कर रहे हैं तो वो सही मायनों में एथेस्ट हैं अगर मुझे कोई इंसान मिलता है जो बहुत ज़्यादा थेस्ट हैं धार्मिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो मैं क्या ये सोचने लग जाऊँगा कि इंसान मूर्ख है क्या पता कि ये किसी चीज़ के प्रोफेसर हैं बहुत कुछ जानते हैं सिंपल बातचीत करेंगे अगर उनके मन उनका मन अगर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा भी वा, वाइड है थोड़ा सा ओपन है इन सब बातें करने के लिए वो कंफर्टेबल हैं देन आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग इनके बारे में तभी हम बातचीत करेंगे वरना सिर्फ ट्रॉलिंग के लिए तुम्हें दिखाने के लिए भाई तुम छोटे हो तुम कुछ भी नहीं हो मेरे समक्ष ये प्रूव करने के लिए देखो मैं एथिस्ट हूँ मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ ये प्रूव करने के लिए मैं कभी किसी के साथ ऐसे बात नहीं करता ना ही किसी को समझाने के लिए देखो मैं एथेस्ट हूँ नो no. जब भी मैं कहता हूँ कि एथिज्म और एथिस्ट तो मैं ऐसे एथिज्म लोगों की बात कर रहा करो ऐसे एथिस्ट लोग की बात कर रहा करो ठीक है ओके दूसरा जो पॉइंट है दूसरा या तीसरा दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही वाइटल है वो यह है कि इंडिया में देखना कि एथेस्ट बने रहना बहुत मुश्किल काम होता है बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि देखना कि इंडिया में लगभग हर एक लोग थेस्ट होते हैं हर एक लोग और ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है अब जैसे मैंने पहले बताया कि थेइज्स मतलब ऐसा नहीं कि वो हंड्रेड परसेंट भीतर से वो थेस्ट हैं उनके मन में भी सवाल आता है बट वो भी मतलब वो भी चाहते हैं कि वो भी एथिज्म की तरह एक्ट करने लग जाए बट ड्यू टू फियर और भी बहुत रीजन के कारण वो क्या होता है कि वो एक्ट नहीं कर पाते बिहेव नहीं कर पाते लेकिन मन में तो चाहते हैं कि मेरे अंदर मतलब इतना जो बोझ है वो हल्का हो जाए काश भगवान ना होते ये चिंता उनके मन भी आती है डेफिनेटली आएगी ज़रूर आएगी पर वो डर के कारण छोड़ नहीं पाते हैं और जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो एथिस्ट हैं एथिज्म है, को फॉलो करते हैं तो वो ये समझने लगता है कि भाई ये इंसान है थोड़ा एरोगेंट है घमंडी है लोगों को दिखाता है सौप करता है देखो हम भगवान पे नहीं मानते उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि तू भगवान को नहीं मानता क्या हम सब पागल बैठे हैं कि हम भगवान को मानते हैं कि हम सब मूर्ख हैं और तो एकमात्र ऐसा इंसान जो चालाक है उनका रिएक्शन काइंड ऑफ तो ऐसा होता है क्योंकि तो एक गुस्सा होता है फ्रस्ट्रेशन होता है कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो ये करके दिखा रहा है कोई अधिकार नहीं <laughs> एक उस गुस्से से क्या होता है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन इस पर निकालने की कोशिश कर देते हैं वरना वो भी मन में चाहते हैं कि मैं भी एथेस्ट बन जाऊ बट वही मैंने बताया ड्यू टू फियर है ना अब जो एथिस्ट लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें डील करनी पड़ती है ऐसे लोगों से जो थेइस्ट हैं और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि भाई एथ सॉरी एथिस्ट आ रहे हैं तो सडनली वो क्या करते हैं बहुत अपॉर्चुनिटी वो लूज़ कर देते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी देने वाले लोग होते हैं थेइस्ट है अभी है ना वो तो एथिस्ट है और हम तो थेइस्ट हैं एक बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है ना एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाती है हाँ जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम एथिस्ट हो तो सडनली वो इस ख्याल में रहते हैं कि भाई एक डिबेट हो जाए थेस्ट लोगों के साथ एक छोटी सी डिबेट हो जाए और हम भी देखकर मज़ा ले पाए तुम भाई एथेस्ट क्यों बने हो क्या प्रेरणा रही है तुम्हारी ज़िंदगी में बस हम शेयर करो ताकि तुम्हें हम अच्छी तरह से तुम्हारी ले सके और तुम्हें ट्रॉल कर सके क्योंकि थेस्ट हुआ तो क्या हुआ वो भी तो इंसान ही होते हैं वो भी उनमें से बुरा इंसान है अच्छा इंसान भी है वो भी तो हुए ना हराम इंसान ऐसा नहीं कि मैं थेज माले को हरामी बोल रहा हूँ मैं इंसान को बोल रहा हूँ और इंसान हराम होते हैं तो वो भी याद रखते हैं कि ये इंसान एथिस्ट हैं और जब भी मौका मिलेंगे तो फिर ले लेंगे झमके है ना तो उस मौके के तलाश में वो रहते हैं हमेशा ये वाला भी सीन है तो सवाल ये है कि एज एन एथिस्ट हम करें क्या अगर मैं अपनी बात करूँ मैं कभी क्लेम नहीं करता मैं एथिस्ट हूँ ना एथेस्ट एगोनिस्ट हूँ कभी क्लेम नहीं करता बल्कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि रैशनलिस्ट मैं अपने आप को रैशनलाइज समझता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि चीज़ों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों घटित हो रही हैं ये घटनाएँ और इसके पीछे रीज़न क्या है लॉजिकली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाहर अगर बियॉन्ड कुछ है तो फिर मैं नहीं मानता ओके okay. और वैसे भी मैं प्राउड फील नहीं करता था मैं एथिस्ट हूँ अपने बायो के पीछे मैं लिखता नहीं हूँ कि मैं एथिस्ट हूँ अगर मेरे चार दोस्त चार थेस्ट दोस्त अगर किसी ऐसे जगह में घूम रहे हैं जो रिलीजियस प्लेस हैं अगर वो मुझे बुला रहे है जाने के लिए तो मेरा यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा नहीं मैं तुम लोगों के साथ जा नहीं सकता क्योंकि तुम लोग थेस्ट हो क्योंकि तुम मूर्ख हो और मैं ठहरा एथिस्ट मेरा वहाँ पे जाने पे मेरा एथिज्म धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इसलिए मैं जा नहीं सकता तो क्या फ़ायदा ऐसे एथिज़म का क्या फ़ायदा ऐसी जिंदगी तुम तु? अपनी ज़िंदगी खुद की मर्ज़ी से जी नहीं सकते हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड होके तुम्हें रहना है तो फिर किस बात का एथिज्म तुम तो रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने के लिए एथेज़म चूज़ कर रहे हो ना अगर तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड फिर से कर दिया जाए क्या फ़ायदा मेरा मानना यह है कि तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम एथेज़म फॉलो करते हो कोई जरूरत नहीं है ना ही दूसरों को दिखाना कि हम रिज्म फॉलो कर रहे हैं अगर तुम क्रांतिकारी बनना चाहते हो अपने आप को रेफलोसरी के तौर पर लोगों को दिखाना चाहते हो देन यू कैन डू इट एक उदाहरण प्रस्तुत के लिए तुम अगर करे हो देखो बिना पूजा पाठ के बिना रिलीजियस ग्रंथों को पढ़े इंसान जिंदा रह सकते हैं डेवलपमेंट हो सकती है ग्रोथ हो सकती है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अगर करे हो तो फिर डेफिनेटली करो कौन रोका है तुम्हें बट तुम अगर अपने लिए करते हो ताकि अपने मेंटल दिमाग पे कोई एफ, आ, कोई इफेक्ट ना कर पाए कोई और चीज़ों का इफेक्ट ना पड़े तुम अगर इसके लिए कर रहे हो तो फिर तुम्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम एथिज्म फॉलो करते हो ज़्यादा स्वॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरस भी बनना चाहते हैं सच मुझ अच्छा काम अच्छा है ठीक है उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं डेफिनेटली उनका काम भी बहुत सराहनीय है अच्छी बात है पर तुम ऐसा कर सकते हो अगर नहीं हो तो फिर डोंट डू इट तुम सिर्फ अपने लिए करो और दूसरे लोगों को समझाओ कि लॉजिकल चीज़ क्या होती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन लोगों के साथ बात हो पाती हैं कोई अगर ओपन माइंडेड इंसान मिल जाते हैं डेफिनेटली बात बात करो ओके okay. अब बहुत लोग आते हैं जो सिर्फ कूल दिखाने के लिए अपने बायो के आगे लिखते हैं हम एथेस्ट ऐसे लोग एथेस्ट नहीं होते हैं अगर तुम भगत सिंह के ऑडियो बुक पढ़ के तुम अगर एथिस्ट बनने के निर्णय ले लिए हो तो फिर डोंट डू इट पहले तुम चीज़ों को जानो रैशनलिटी क्या होती है लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है पहले तुम इनके बारे में थोड़ा पढ़ो चर्चा करो क्रिटिकल थिंकिंग की वीडियो मैंने एक अपलोड कर रखी है ये वाला वीडियो देख सकते हो ऐसे थोड़ा बन जाओ आइडिया फॉलो करने में टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि तुम्हें कल ही एथिस्ट बनना है या फिर एथिज्म की कोई सर्टिफिकेट लेनी है ऐसा नहीं है टाइम लग सकता है अगर तुम डिलेवर में हो तो फिर तुम एथेस्ट नहीं बन सकते हो ना पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा सारे आइडियाज़ को थ्रिजम के आइडियाज़ को तभी तुम एथेस्ट बन पाओगे लेकिन कभी कभी तुम्हें लगता है कि मे बी इट इज़ ट्रू ये चमत्कार है ये वो ऐसे चीज़ें तुम्हारे मन में अगर आ रही हैं तो फिर यू स्टूडेंट कॉल योर सेल्फ एथेस्ट ओके टाइम लग सकता है टाइम लो धीरे धीरे लोग बनते हैं ऐसे ओके okay. और कोई फैमिली बहुत फैमिली ऐसी भी है और मेरे पहचान वालों में बहुत फैमिली हैं जो बच्चे को बताना चाहते हैं एज एन एथिस्ट तो वो क्या करते हैं घर में धर्म ग्रंथ की किताबें नहीं रखते मतलब ऐसा माहौल वो क्रिएट करते हैं ताकि बिल्कुल एथिस्ट बन के वो बड़ा हो जाए और उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि देखो तुम कर तो रहे हो पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे के मन में क्यूरियासिटी होती है बड़े होने के साथ साथ एक क्यूरियासिटी बढ़ती है एक इंसान थीज्म से अगर एथिज्म बन सकता है तो फिर वो एथिस्ट से थेस्ट भी बन सकता है है ना तो यहाँ पे अगर तुम्हारे साथ ये वाला केस होने जा रहा है तो फिर पैसा बर्बाद हो गया ना बात यह है तुम्हें किसी को भी पकड़ के गला पकड़ के ऐसे अथेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि तुम गला पकड़ के किसी को भी अथेस्ट बना नहीं सकते पहली बात तो यह है पक्की बात है तुम किसी को हेल्प कर सकते हो रैशनल बनने के लिए प्रेरित कर सकते हो ताकि वो चीज़ों के पीछे साइंस को समझे साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे लॉजिकल थिंकिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे ऐसे इंसान बनना चाहिए और दूसरे को भी हेल्प करना चाहिए हेल्प करना चाहिए ताकि वो ऐसा इंसान बन पाए और बच्चे का मन बिल्कुल वो मिट्टी जैसा होता है ना जैसा सेव देना चाहोगे वैसा ही वो बन जाएगा ओके आई होप नहीं इतना ही चलो इतना ही था आज की वीडियो को रैपअप कर देते हैं